देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज कयामत की रात है। सियासी दिग्गजों से लेकर सूबे के 2,274 प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हैं, सांसें अटकी हुई हैं, पल पल भारी है। आज रात आंखों में नींद नहीं, कहीं जीत को लेकर संशय तो कहीं जश्न की पूरी तैयारी है। कहीं आंखों में विधायक की तो कहीं सरकार बनाने के सपने तैर रहे हैं। लाजमी है आज रात करवट बदल बदल कर ही गुजारनी होगी, क्योंकि कल सुबह पौ फटते ही सूबे की सियासत करवट लेगी। हाथ और कमल में से एक पर किस्मत मेहरबान होगी। सूबे पर पूरे 5 साल शासन करने का मौका मिलेगा, शपथ होगी, पद मिलेगा, मंत्री बनेंगे, संतरी सलाम ठोकेंगे, रुतबा होगा, रसूख होगा, रौब होगा। हाँ, किसी किसी के मन में जनसेवा का भी गुबार होगा और वो भी पूरे 5 साल के लिए। लेकिन इस हसीन सपने और हकीकत के बीच है एक पूरी रात। उससे पहले नेताजी के सामने समस्या बड़ी है, क्योंकि बेचैन है नैना, कैसे कटेगी रहना। बस चंद घंटे और जिसके बाद तय हो जाएगी मरुधरा की सियासी किस्मत, लिखती जाएगी सूबे की सियासी इबारत। लेकिन इस इबारत में कौन भरेगा जीत के रंग और किसका उड़ेगा रंग? मंगलवार को किसका होगा सियासी मंगल? खिसकेगी किसकी जमीन और किसकी बनेगी बात? जनता किसके सिर पर रखेगी ताज और किसके हक में आएगी बात? और सबसे बड़ा सवाल, कौन होगा राजस्थान की राजनीति का सिकंदर? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अमित गोयल जी, कांग्रेस नेता डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत जी, आप नेता पूनम चंद भंडारी जी, और साथ ही कोटा से जुड़े हमारे साथ बीजेपी विधायक हीरा लाल नागर जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अमित जी, सबसे पहले आप ही से सवाल रहेगा, कल परिणाम आने वाले हैं, क्या दावे हैं आपके जीत को लेकर? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आश्वस्त है कि राजस्थान में पुनः जनसेवा का जो काम 5 साल पहले जनता ने हमको दिया था, पुनः हमें वापस देने वाली है। और पूर्ण बहुमत के साथ में, बिना किसी के और के समर्थन से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अमित जी, एग्जिट पोल तो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए, जितने मुंह उतनी बातें और जितने चैनल उतने एग्जिट पोल। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता के बारे में बहुत सारे प्रमाण पहले भी मौजूद हैं, तो हमने कभी इनको विश्वसनीय माना भी नहीं है। अच्छा, जब हमें अपने हमें अपने काम पर और हमारे कार्यकर्ता दोनों पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी अपने वर्क के आधार पे और अपने वर्कर के आधार चुनाव लड़ती है, बूथ मैनेजमेंट के आधार चुनाव लड़ती है। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि सारे एग्जिट पोल गलत होंगे, धराशायी साबित होंगे। आप खुद ही देखिए, अलग अलग एग्जिट पोल में 97 से लेकर 93 तक की सीटें दी गई हैं, 40 सीट तक का अंतर आपस में है। कैसे इनकी विश्वसनीयता हो सकती है? विश्वसनीय अगर हमारे लिए कोई कार्य है तो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा काम है और हमारा बूथ मैनेजमेंट है। उसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और निश्चित रूप से राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे। मेरा कहना है कि सब विद्यार्थियों ने एग्जाम दे दिया है, कल ईवीएम के अंदर से रिजल्ट आ जाएगा, तो आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए, ज्यादा समय बचा नहीं है अब तो। बिल्कुल ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि 8 बजे हैं और कल सुबह 8 बजे यानी 12 घंटे बाद काउंटिंग शुरू भी हो जाएगी। अजीत सिंह जी, इस बार के एग्जिट पोल की भी बात करें तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। शुरुआती दौर से आप लोग दावे भी कर रहे थे जीत को लेकर, एग्जिट पोल भी साथ पूरी तरह से कांग्रेस का दे रहे हैं, कल परिणामों को लेकर क्या कहेंगे आप? श्वेता जी, अब ईवीएम में जनता का जो मत है वो बंद है और हमें इतनी ज्यादा कोई उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में माहौल तो आज से साल भर पहले बन गया था। अब मन बहलाने को ख्याल अच्छा है तो रात रात तो कम से कम बीजेपी वाले भाइयों को आराम से सोने दीजिए। अभी मैं ये कहूँ कि गुस्सा जनता का कितना प्रतिशत है ये तो मेरे को ध्यान नहीं है जी। लेकिन अगर जनता का जो दिख रहा है कि जनता का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इन्होंने जो विकास किए, विकास को, विकास की बात करते हैं, विकास को गिनाने के लिए, विकास को दिखाने के लिए, विकास को बताने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई तस्वीर। अगर विकास वाकई किया हो तो जनता को दिख जाता, लेकिन जनता ने मन बना लिया था साल भर पहले, जनता ने अपना मत दे दिया और इतना शांति से मतदान हुआ। मैं राजस्थान की जनता को बधाई देता हूँ इस मामले में कि उन्होंने अपना शांतिपूर्वक मत दिया और बड़ा शानदार उन्होंने मतदान किया।
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान से और कम से कम राजस्थान से तो सुपड़ा साफ हो जाए। सुपड़ा साफ करने की बात कर ले, लेकिन एक बड़ा मैंडेट पिछली बार मिला था अजीत जी, 163 सीटें मिल जीत कर आए थे, इसके बाद एकदम सुपड़ा साफ करना, जबकि विकास की बातें लगातार ये करते रहते हैं, इस पर भी जवाब लेंगे। पूनम चंद जी, हर बार चर्चा में आप आते रहे हैं, हमने अलग अलग मुद्दों को उठाया चर्चा की, लेकिन आप हमेशा कहते हैं एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस ही आती है और इस बार जनता फैसला करेगी। क्या फैसला करेगी इस बार, क्योंकि इस बार फिर से एग्जिट पोल में कांग्रेस ही आगे है और बीजेपी उसके बाद? जनता ने तो फैसला कर दिया है, जनता का रोष दिख गया था कि भाजपा को हराना है और सारे एग्जिट पोल भी ये कह रहे हैं, और हम तो जनता के पीछे बहुत गए हैं, रहे हैं, जाकर देखा भी है, 25-30 सीट ज़्यादा भाजपा की आने वाली नहीं है, और इनके नेताओं को नींद नहीं आ रही है, और कांग्रेस के नेताओं को ये लग रहा है कि ऐसा ना मैं हार जाऊँ, आज तो बधाई लेने में थोड़ा शक पका रहे हैं, हाल ये हो रहा है। ठीक है, आम आदमी पार्टी का क्या हाल है, वो भी बता दीजिए। हमारे हाल ये हैं, हम कहीं नहीं जीत रहे हैं, पूरे जीरो आ रहा है हमारा, तो किस्मत से बात मान रहे हैं आप, एक सीट भी नहीं आ रही है। सच्ची बात है, देखिए सच्ची बात स्वीकारते हैं हम, ये इनकी तो है नहीं, कल ईवीएम झूठ बोल रहा है, देख लेंगे पता पड़ जाएगा। हमारी सच्ची बात ये है कि हम अगर 5-10 जगह हमारी जमानत बच जाएगी तो माननी है, क्योंकि हम जनता को ये शो नहीं कर पाए, दिखा नहीं पाए कि हम फाइट में हैं, और जनता को ये लग रहा था किसी सूरत में भी भाजपा को हराना है। भाजपा को हराने के लिए जो जीत सकता है या जीता दिखाई दे रहा है, ताकतवर दिखाई दे रहा है, जनता ने वोट उसको दिया है। मैं आपको बताऊं, 2008 के अंदर जब वसुंधरा जी हारी थी, 3 में सरकार बनी थी, 8 में हारी थी, उस टाइम इतनी नेगेटिविटी नहीं थी इनकी, फिर भी सिर्फ 78 सीट आई थी इनकी, और इस वक्त तो जबरदस्त इनकी नेगेटिविटी है, और सेंटर में मोदी जी ने काम नहीं किया वो नेगेटिविटी, ये दोनों नेगेटिविटी बना करके शो कर रही है। ये कह रहे कि जनता की नाराजगी है और नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, बिल्कुल 101% कांग्रेस जीत नहीं रही है, भाजपा हार रही है, समझ लीजिए। अभी जनता में रोष है, 77 में जनता एक रोष था, इंदिरा गांधी को हराना है, कौन खड़ा हुआ ये नहीं देख रहे थे, बस इंदिरा गांधी को कांग्रेस को हराना है, और सूबड़ा साफ कर दिया गया था उस टाइम 2014 के अंदर जब मोदी लहर चली, तो ये था मोदी को जिताना है बस, ये चाहे कोई कितना नीलकणी हार गए। देखिए आप, चलिए बीजेपी विधायक हीरालाल नागर जी हमारे साथ बने हुए, हीरालाल जी सांगोद से विधायक है आप, एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, आपको टिकट दी, मतदान भी हो चुका है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त है आप अपनी, पहले तो ये बताइए। मैं 100% अपने कार्यों के आधार पर 5 साल जनता से जुड़ा रहा हूं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूं, उसके आधार पर मैं आपको 100% दावा कर रहा हूं कि कल सुबह जब ईवीएम खुलेगी तो 100% हम सांगोद से जीतेंगे, इसमें कोई किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन बीजेपी के कार्यों को लेकर, बीजेपी विकास की बात करती है हीरालाल जी, बीजेपी विकास की बात करती है, लेकिन दूसरा जो विपक्ष की बात करे वो कह रहा है कुछ विकास नहीं हुआ है, जनता के बीच नाराजगी है। क्या आप सांगोद से हैं, आपकी विधानसभा में भी जनता का किस तरह, क्या आप मानते हैं कि आपने पूरे काम किए हैं और जनता एक बार फिर आपका साथ देगी? बिल्कुल, हमने जो विकास किया है, कांग्रेस को इनके नेताओं को चश्मा उतारना चाहिए, इनका 5 साल का राज रहा, उसके बाद हम जब चुनाव में गए थे, गांव में जितनी गंदगी, जितने सड़ा हुआ नालियां और जितना कीचड़ था, आज हमने गांवों को कीचड़ से मुक्त किया है, और निश्चित रूप से कोई चुनाव के समय अभी मुझे एक गांव ऐसा निकला जहां गांव वालों ने मुझे जबकि पिछले 5 साल में मेरे सामने यहां से भरत सिंह जैसे पंचायत राज मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, पूरे उस चुनाव के दौरान हर गली में कीचड़ था, हर गलियां पानी से। यानी आप ये कह रहे हैं कि गली को साफ बीजेपी ने किया है, सफाई बीजेपी ने की है, पिछली बार कांग्रेस थी तो पूरा कीचड़ छोड़कर गई थी। अजीत जी इस पर क्या कहेंगे, यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुए, गंदगी का आलम था और ये सफाई की है बीजेपी ने? ये विधायक जी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं जी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कीचड़ किया और आप कीचड़ में विधायक बन गए, अब आपने कीचड़ साफ कर दिया। अरे विधायक जी आप अपने आप को संभालो, जनता ने आपको साफ कर दिया, अपना धरातल देखो नीचे से कि आपके धरातल खिसक चुका है, और हमारे जो पिछले पांच हमारी जो कांग्रेस में जो 20-21 सीट आई थी उसके बाद में हमारे युवा अध्यक्ष जो सचिन पायलट बने थे उन्होंने पूरे राजस्थान में घूम घूम करके, मैं कहना चाहता हूँ श्वेता जी, जब 60 की स्पीड से एक गाड़ी राइट से आ रही है और 60 की स्पीड से एक लेफ्ट से आ रही है और आमने सामने आती है तो
टक्कर 120 की होती है, तो इनकी नेगेटिविटी तो थी, वो तो थी जनता के बीच में थी, लेकिन पॉजिटिविटी कांग्रेस की थी, जो हमारे युवा नेतृत्व ने राजस्थान में 5 लाख किलोमीटर तक का सफर तय किया और उसके बाद में गांव-गांव में जगह जगह जाकर के जहां पर भी कोई किसान ने आत्महत्या कर ली या कहीं भी किसी तरह की कोई दुर्घटना हो गई वहां पर सबसे पहले हमारे सचिन पायलट पहुंचते थे। अरे इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की तो आंखें नहीं खुलती। अरे इन विधायकों की हालत ये थी कि इनसे तो मुख्यमंत्री मिलती नहीं थी। अब अमित जी क्या ये सही है, क्योंकि देखिए आखिरी साल था, चुनावी साल है, मुख्यमंत्री भी घर घर पहुंची है, इतने यात्राएं हो गई, इसके बाद चुनावी सभाएं हो गई, सब कुछ हुआ, बीच बीच में औचक निरीक्षण भी हुआ, लेकिन ये सब कुछ आखिरी साल में ही नजर आया। देखिए मैं आपको बताऊं, सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री आपके द्वार एक कार्यक्रम सरकार ने पहले साल में शुरू किया। मुख्यमंत्री हर संभाग मुख्यालय पे गई, जिला मुख्यालय पे गई, उसके बाद में फिर वसुंधरा जी ने एक कार्यक्रम बनाया, दोबारा विधानसभा वाइज हर विधानसभा में वसुंधरा जी ने मीटिंग ली, वहां पे कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद हुआ, जनता के साथ संवाद हुआ, लाभार्थियों की जो मीटिंग वसुंधरा जी ने ली, मेरी बात सुनिए, एक एक मीटिंग में 10-10, 15-15, 20-20 हजार लोग आए। सरकार ने समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको लिए कुछ ना किया हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देखिए आज 5 साल का पूरा एक समझिए समय टर्नओवर पूरा हुआ है, कल दोबारा रिजल्ट आने वाले हैं और 5 साल तक विकास को लेकर बहुत बहस हुई है, फिर भी एक बार मैं आपको दोहरा दूं कि राजस्थान में पिछले 5 साल में विकास के जो काम हुए हैं वो अपने आप में कीर्तिमान है। हमारे देश के बारे में जब विकास के बारे में बात की जाती है तो गांव के विकास के बारे में पहले ध्यान में आता है, गांव का विकास होना चाहिए तो देश का विकास होगा। आप ये देखिए, गांव गांव तक पक्की सीमेंटेड सड़कें, मैंने बहुत बार बताया है आपको, गांव की बेटियों के लिए जो शोध के लिए जाना पड़ता था, खुले से शोध से मुक्त गांव में किया, क्या तस्वीर वाकई ऐसी है, इसलिए हमने पहुंचाई, क्या ये वाकई तस्वीर ऐसी है जैसे आप बता रहे हैं, उनका इंश्योरेंस का पैसा 50-10 लाख रुपए हमने किया, तो फिर बहुत विकास किया आपने, दुनिया भर के काम कर गिनाऊं, न्याय आपके द्वार के अंदर, नहीं बात सुनिए श्वेता जी, न्याय आपके द्वार के अंदर सरकार ने घर घर जाके लोगों को मुकदमेबाजी से निजात दिलवाई, 1,40,00,000 छोटे बड़े मुकदमे निपटाए गए, कुल मिला के झूठ तो आप लोग बोलते हैं, वकालत करता हूं, कह रहा हूं आप लोग वकालत करते हो ना, जनता जज है और जनता के आप तो ऐसी पार्टी से व्यक्ति हो, आप कह रहे हो 140 में से एक भी जगह पर आपकी जमानत बचने वाली नहीं है, तो मैं कह रहा हूं आपका क्या काम है, आपको पता है, हमको भी पता है, पंजाब में क्या कह सकते हो, दिल्ली में आप तो कुछ भी कह सकते हो, दिल्ली में आपके दिल्ली पंजाब भी पहुंचेंगे, पूनम चंद जी दिल्ली पंजाब की भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल राजस्थान की बात करो, जिस तरह से अमित जी बता रहे हैं बिल्कुल आप ही से जवाब लो, ब्रेक पे जाने पूनम चंद जी, वापस लौटेंगे तो बिल्कुल आपसे इस पर जवाब लेंगे, क्योंकि अमित जी तो साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो विपक्ष है वो मानने को तैयार नहीं है कि कुछ भी विकास नहीं हुआ, लेकिन क्या वाकई में अगर हुआ है तो जनता साथ जाएगी, और अगर नहीं हुआ विकास सिर्फ बातें हैं तो फिर कल परिणाम सामने आ जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, तो बस चंद घंटे का इंतजार हो जिसके बाद मरुधरा की किस्मत यहाँ पर तय हो जाएगी, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगा तो कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार प्रदेश में बनने वाली है, किसके साथ जनता जा रही है। लेकिन मतदान के पहले और परिणाम आने के पहले तक सियासी अगर गुनागढ़ की बात की जाए या फिर राजनीतिज्ञों की बात की जाए, सबके अपने अपने दावे जीत को लेकर है और लगातार चर्चा भी हमारी जारी है, हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, इससे पहले भी बात हो रही थी, आपने कहा कि बहुत सारे विकास हुए हैं और विकास को लेकर ही बातचीत हो रही है, लेकिन पूनम चंद जी ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, सीट को लेकर शुरुआती दौर से जब 163 का मैंडेट आपको मिला तभी से 180+ की बात कही जाने लगी, अब क्या? देखिए राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो प्रयास ये करती है कि सारी सीटों पर हम जीतें, लेकिन आज तक क्या सारी सीटों पर सभी लोग जीते हैं? तो हर पार्टी का लक्ष्य होता है कि हम अधिकतम सीटें जीतें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है जिसका बहुमत आता है, जो मैजिक फिगर है वो बहुमत का फिगर है, वो अगर किसी पार्टी को मिलता है तो बहुत पर्याप्त होता है। भारतीय जनता पार्टी को 163 सीट जनता ने दी, 21 सीट कांग्रेस को दी, ये वही कांग्रेस है जिसके लिए हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि आज तक इससे ज्यादा निकम्मी सरकार नहीं देखी, ये रिकॉर्ड पर है, ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूँ, अखबारों में छपा है, ठीक है, मतलब मेरा सिर्फ कहने का ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने
जनता ने जो हमारे हाथ में जनता ने हमको जो काम दिया था ठीक है। आपकी सरकार को सर्टिफिकेट मिला क्या? आपकी सरकार को सर्टिफिकेट मिला कि बहुत अच्छा काम किया? मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेट मिलना और एक सर्टिफिकेट मिलना पत्रिका भास्कर में छपा है फ्रंट पेज पे। अरे मैं कह रहा हूँ पत्रिका भास्कर फ्रंट पेज पे छपा है। सबसे बड़ा आपके प्रधानमंत्री सबसे बड़ा अजीत जी का रिएक्शन। मैं वही कह रहा हूँ अगली बार आएंगे कॉपी लिए पन्नामी को फटकार लगी। आप सुनना नहीं चाहते हो पूनम जी। एक मिनट पन्नामी को फटकार लगी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिस काम के लिए चुना था भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी वो काम किया है। और आज की तारीख में कह रहा हूँ जो सीएम लेकिन आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि निकम्मी सरकार कांग्रेस निकम्मी सरकार थी जो पिछली बार कार्यकाल था कांग्रेस का। अजीत जी कौन से कोर्ट की बात कर रहे हैं? किस कोर्ट की बात कर रहे हैं? मैं आपको दिखा दूंगा सुनो पत्रिका भास्कर फ्रंट पेज छपा है सबको पता है छोड़ो छोड़ो कि आपकी सरकार के बारे में हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी। सबसे बड़ा कोर्ट लोकतंत्र में जनता होती है और जनता की अदालत ने जो निर्णय दे दिया उसको स्वीकार करने का मन बनाओ कर आ जाएगा सामने मन बनाओ करे मन बनाओ कल ईवीएम में जनता का फैसला आ जाएगा तब तक आप इंतजार करो। हमें तो पूरा विचार है आप कहते हो कि महारानी हमें तो पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। एक मिनट बीच में मत बोलो यार। पूरे प्रदेश में आपकी जो मुख्यमंत्री थी जो महारानी बन के घूम रही थी वो वहां पर जाकर के और पिकनिक कर रही थी। मेरी बात सुनिए आप विपक्ष में हैं आपका तो काम यही है बोलने का। रुकती थी बड़े बड़े जितना मुख्यमंत्री जनता से मिली है घर घर जाके लोगों से संवाद किया है घर घर जाके लोगों की परिवेदनाएं सुनिए घर घर जाके लोगों की परिवादनाओं पे काम किया सरकार ने। ठीक है ये आप बोल रहे हैं कि घर घर जाके काम किया लेकिन हीरालाल नागर जी में सब बने हीरालाल जी आपने तो कहा कि आपने बहुत काम किए हैं जनता एक बार फिर से आपका साथ देगी लेकिन इस बीच आपने किसानों को लेकर मुआवजे को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। सर अगर आप किसानों के हित सोच रहे हैं जनता के साथ थे तो फिर इस तरह का बयान क्यों आया आपकी तरफ से? देखो बयान को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया जिससे कोई किसानों के खिलाफ हो। हमेशा मैं किसानों के साथ रहा हूं चाहे वो समर्थन मूल्य की खरीद हो चाहे वो बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन की खरीद हो। उसके लिए दिल्ली भी जाना पड़ा तो हम जाकर के हमने जहां कांग्रेस के राज में 3000 मेट्रिक टन लहसुन की खरीद इन्होंने करी थी हमने 90000 मेट्रिक टन लहसुन की खरीद करके और किसानों को बचाने का काम किया। हमने ये वादा निभाया है कि उनको हम उचित मूल्य मिले। अपने आप को सच्चाई के ऊपर लेके आओ। एक मिनट आपके समय पर 1150 अरे आपने 3000 मेट्रिक टन खरीदा था जो रोड पे फिका था आपके राज में 14500 करोड़ रुपए खरीद करिए आपके राज में 2 रुपए किलो वो रोड पे फिका था हमने बात करते हैं। अरे महिलाओं को तो आपकी सरकार के दो मंत्री जेल में दो दो मंत्री आज भी जेल में आपके 1000 मेट्रिक टन लहसुन खरीद महिला अपराधी के हत्या में आज भी मंत्री जेल में आपके आप आके खोल के देखो। देखिए स्थिति दोनों दोनों ही सरकारों में देखिए किसानों की स्थिति दोनों ही सरकारों में देखिए। आजादी के बाद सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पर खरीद करने का काम किया हमने। आपको विकास दिख रहा है जनता को विकास नहीं दिख रहा है बीजेपी ने 14500 लेकिन लेकिन एक बात जरूर है पूनम चंद जी एक बात जरूर है कि जिस तरह से उनका भी कहना है कि किसानों के हित में किसान प्रायोरिटी में रहा फोकस दोनों ही पार्टियों का किसानों पर रहा और जो ऐलान भी किए गए हैं मैनिफेस्टो में जिक्र भी किया गया वो किसानों को लेकर कहा गया है लेकिन बीजेपी बार बार ये कहती है कि हमने 5 सालों में किसानों के लिए जितना किया कर्ज माफ किया उतना 50 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया है। सत्ता में तो ज्यादा वक्त कांग्रेस थी। मैं जवाब दूं एक मिनट ये बार बार कि बीजेपी तरफ से बोला जाता है वो भी बैठे हैं अजीत जी से पहले अजीत जी को सुन लेते फिर बिल्कुल ऐसा है कि किसान जब बैल और ऊंट से किसान हल जोतता था आज ट्रैक्टर है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी ये राजस्थान कैनाल ये जो लेके आए कांग्रेस के राज में आई जितना खाद के कारखाने बीज के जो बीज उन्नत बीज ये सारे कांग्रेस के राज में हुए का किसान को आत्महत्या कांग्रेस के राज में कभी नहीं करनी पड़ी। राजस्थान का किसान अपने बेटे को
फौज में भेजता था बॉर्डर पे लड़ाई के लिए, बॉर्डर पे मरना पसंद करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में 250 किसानों ने आत्महत्या की, इनके लिए डूब मरने की बात है। अशोक गहलोत साहब को, सचिन पायलट साहब को, आप लोगों को सबको सहमति कर लेनी चाहिए कि आप सब लोग अलग अलग झूठ बोलते हो। जिस तरह राहुल गांधी कंफ्यूज होते हैं, उनका हर बयान बदला जाता है, वैसे आप लोग का हर बयान बदला होता है। मैं कह रहा 50 साल तक आपने राजस्थान में किसानों को सिर्फ छला है और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ किसानों के लिए काम किया है। आज की तारीख में जो किसान की दुर्दशा करी ना, वो आप लोगों के लिए। एक मिनट, अगर 50 साल में कुछ काम किया होता तो आज किसानों के हालात नहीं होते। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, आपने अभी कहा 50 सालों तक अगर काम किया होता तो ये हालात नहीं होते। एक बात बताइए, चुनाव तो हर 5 साल में हो रहे थे, बार बार कांग्रेस क्यों आ रही थी? बार बार कांग्रेस क्यों आ रही थी? मुझे ये बताइए आपकी क्यों बार बार कांग्रेस आता है? आप लोग ये कहते थे 50 साल कांग्रेस रही, लेकिन जनता ही तो लेकर आ रही थी कांग्रेस। देखिए मैं जनता ही तो चुनकर ला रही थी। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, राजस्थान पूरे भारत के अंदर देखिए कुछ समय था कांग्रेस 444 सीट लेने वाली पार्टी थी, आज 44 पर क्यों है? क्यों पूरे देश ने नकार दिया इनको? क्यों 50 साल तक देश शासन करने के बाद में भी किसानों की दुर्दशा है? क्यों जब अटल जी आए तो गांव गांव तक सड़कें पहुंची, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसने पहुंचाई? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा। आज 12 रुपए के अंदर 12 रुपए के अंदर इंश्योरेंस मिल रहा है, किसने दिया? आज मुफ्त इलाज मिल रहा है 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक, कौन सी पार्टी ने दिया? मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरा, देश को बरगलाया और आज की तारीख में इनका एक ही बात है, झूठ बोलो, एक बार बोलो, दो बार बोलो, बार बार बोलो, लेकिन जनता ने झूठ में आने वाली नहीं है। और कल ईवीएम खुलेगा, मैं आपको बता दूंगा, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। अब एक सर, ये विकास की बात कर रहे हैं ना कि जनता को विकास, इनको विकास दिख रहा है, जनता को विकास दिखता तो उपचुनाव में हारते क्या? 19 सीटों में हार गए थे उपचुनाव के अंदर। सुन लीजिए, आप गलत बताइए, आप सुन लीजिए मेरी बात, 2 मिनट में बोल रहा हूँ। 19 सीटों पर ही हारे, लोकसभा हारे, सब मिलाकर के 19 सीट पर हारी है, क्या जनता को विकास दिखा नहीं? उस टाइम जनता को क्या विकास दिखेगा? पानी के दाम 4 गुना बढ़ा दिया आपने, बिजली के दाम आपने बढ़ा दिए, महंगाई लगातार बढ़ती आ रही है, अस्पताल में हड़ताल चल रही है। देखिए ये विकास है क्या? एक मिनट सुनिए, आप सुन लो, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप एक मिनट और आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ विकास आपने कहा कि बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा किया है और आप भी क्योंकि प्रत्याशी हैं, आप भी उम्मीदवार हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, जनता आपको चुनेगी, लेकिन एक बात बताइए, 5 साल पहले और 5 साल की बात की अब स्थिति देखी जाए, कितना फर्क हड़ौती में आ गया है या कोटा में आ गया या आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले, सांगोत में आ गया है? सरकार टूटी पड़ी जगह जगह, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखिए, जब हमारी मुख्यमंत्री पिछली हमारी परिवर्तन यात्रा के दौरान जब गांव गांव में और हर तहसील स्तर पर और विधानसभा स्तर पर गई थी, सारी इनके कार्यकाल में रोड टूटी हुई थी, चाहे कोटा से झालावाड़ की रोड हो, चाहे वो राम जन्म मंदिर से और हमारी सांगोत की रोड हो, इनके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को उस समय रामगंज मंडी जाने के लिए ट्रेन से कोटा से जाना पड़ा था, बाय रोड नहीं जा पाए थे और वहां से सांगोत जाने के लिए बाय रोड कोटा है, कोटा से अंता गए और फिर सांगोत गए। ये इन रोडों की स्थिति जो इनके कार्यकाल में थी और वो जब थी जब यहाँ से भरत सिंह जी जैसे PWD के मंत्री होते उनकी विधानसभा की दुर्दशा थी और गांव गांव में सड़कें टूटी हुई थी, हमारे पूरे कीचड़ थे। आज गौरव फतेह, गौरव फतेह बढ़िया सड़कें हैं, सीसी रोड है पूरा, यहाँ से झालावाड़ तक बढ़िया रोड बन गया, सीसी रोड बन गया, कोई रोड टूटी हुई नहीं विधानसभा में। आज एक भी रास्ता खराब हो जाता है, हमारी
ठीक है। देखिए क्योंकि हीरालाल जी खुद भी विधायक है, वो आश्वस्त है अपने काम को लेकर, विकास को लेकर, इसलिए वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि गोपाल फिर से जीत कर आएंगे। लेकिन शायद पूनम चंद जी यहाँ पर संतुष्ट नहीं, उनका कहना है कि सड़कें बनी होने की सिर्फ बातें की जाती है लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ है। हालांकि क्या विकास हुआ है क्या नहीं, ये तो जनता भली भांति जानती है, और इसलिए यही सोचकर जनता ने अपना मत का प्रयोग किया है। अब किस सरकार के साथ जाती है, किस प्रत्याशी के साथ जाती है, ये फैसला कल हो जाएगा। लेकिन क्या कुछ हो सकता है कल, क्योंकि आज रथ जगा है, लेकिन क्या कुछ कल हो सकता है, किसके हक में परिणाम जाएंगे, इस पर भी नजर रहेगी। और हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए जिस पर चर्चा। एक बार फिर आपका स्वागत, और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित जी, इससे पहले बात हो रही थी, आपने विकास को लेकर बात कही और जीत को लेकर दावे भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, और आपने जिस तरह से मैजिक फिगर की बात की, अगर मैजिक फिगर आ जाता है, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते, इसके विपरीत ही परिणाम आएंगे, जीत को लेकर आश्वस्त है, पर तो ये बताएगा जीत को लेकर आश्वस्त हो तो कितने आंकड़े, और अगर आगे पीछे होते हैं तो किस तरह की गुणा गणित चल रही है, क्या है प्लान बी बीजेपी का? देखिए किसी भी तरह से कोई प्लान बी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, हम किसी आंकड़े में भी जाना नहीं चाहते। कल ईवीएम के अंदर सबका भाग्य बंद है, सभी प्रत्याशियों का, सभी राजनीतिक दलों का, और हमको अपने काम पर पूरा भरोसा है, हमारे कार्यकर्ताओं भरोसा है, तो हमें तो पूर्ण विश्वास है कि हम निश्चित रूप से सरकार बना रहे हैं, तो प्लान बी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगता नहीं किसी की हमको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी सरकार मेजोरिटी से आ रही है, तो इसमें कोई प्लान ए प्लान बी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेजोरिटी से आ रही है, यानी कि आप नहीं कर रहे हैं। आपका कह रहे हैं कि मैजिक जो फिगर है उसको भी क्रॉस करें, यानी कि प्लस 100 सीट्स हैं आपकी बीजेपी की। अजीत जी, हमेशा ये होता है कि ईवीएम में खराबी की शिकायतें सबसे ज्यादा कांग्रेस की तरफ से कही जाती रही हैं, इस बार किस तरह से देखेंगे एग्जिट पोल में, जिस तरह से कांग्रेस के समर्थन में परिणाम आ रहे हैं, क्या कोई शिकायत रहेगी अगर परिणाम ऐसे ही आते हैं तो, या फिर आप ये मानते हैं कि मोदी लहर कम है, जनता साथ देगी और जो आप लोग कह रहे हैं वही होगा? देखिए श्वेता जी, ईवीएम की बात आती है तो ईवीएम की तो बात आपके सामने कल आप टीवी वाले अखबार वालों ने बताई है कि किस तरह से भरतपुर में हुआ, किस तरह से पाली के अंदर हुआ, ईवीएम की मशीन कहाँ मिली, सड़क पे मिली, एक तो एक एमएलए साहब के घर पे मिली, ये बातें सब आती रहती है। लेकिन अब जब ये इतने आश्वस्त है तो मैं ये सोचता हूँ कि इनको कल सुबह 10 बजे तक आश्वस्त रहने दें। 10 बजे जनता ने मैंडेट दे दिया और जनता के मैंडेट को इनको भी पता है, इनके नेताओं को भी पता है, विधायक महोदय को भी पता है, आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, मुख्यमंत्री जी को पता है, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को भी पता है कि क्या मैंडेट आने वाला है तीनों स्टेट में, जिसमें राजस्थान नंबर 1 होगा, कि मैंडेट इनका, जनता का मैंडेट आ चुका, और चूंकि वो ईवीएम बंद है, जनता के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, और कल 10 बजे तक ये आश्वस्त रहना चाहते हैं तो हम क्यों इनको खलल में डालें? चलो रहने दो इनको, कल तक सारा मीडिया इनके लिए अच्छा था, कल तक सारा मीडिया भाजपा के लिए अच्छा था, ईवीएम में अगर दिखा दिया इनको, एग्जिट कर दिया, एग्जिट पोल ने इनका एग्जिट कर दिया, तो कह रहे विश्वास नहीं है। कल तक तो बार बार कहते मीडिया बढ़िया है, जब एग्जिट पोल आ रहे थे जो परिणाम थे आप लोग खुश थे, यही आना है और एग्जिट पोल एकदम सही, इससे भी ऊपर जाएंगे। अमित जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा चंद जी एक मिनट, अमित जी पिछली बार जब हम 2013 की बात कर ले, एग्जिट पोल जब आ रहे थे, एक तरफा रिजल्ट दिखाया जा रहा था, तब आप लोग एग्री थे, तब आपने कहा यही परिणाम है क्योंकि फेवर में था। देखिए मैं आपको बताऊं, 2014 का जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उस टाइम पर क्या किसी ने बताया था कि कांग्रेस की 44 सीट आ जाएगी? सारे एग्जिट पोल्स कांग्रेस को 125-150 सीटें दे रहे थे, बीजेपी को कोई 200 दे रहा था, कोई 225 दे रहा था, और बीजेपी सीट 284 आई, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, आप बिहार का देख लीजिए, तो ऐसा अनुभव आज के पहले आप मीडिया में काम करते हैं हाँ, दिल्ली में भी हुआ, कोई इसमें भंडारी साहब कोई इसमें कोई अलग बात नहीं, लेकिन मीडिया का जो भी था वो गलत साबित हुआ, मैं वही कह रहा हूँ गलत साबित हुआ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मीडिया को जानबूझ के करता होगा, हम तो कई ये बिल्कुल आरोप नहीं लगाते, ना तो हम तो मीडिया पे आरोप लगाते हैं, ना हम चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पे आरोप लगाते हैं, ना हम न्यायपालिका पे आरोप लगाते हैं, ना हम सेना पे आरोप लगाते हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो भी होना है, अब जनता ने अपना मत दे दिया है, ईवीएम में बंद है बिल्कुल, और आप लोगों को भी मैं तो आप लोगों से निवेदन नहीं करूंगा, कल सुबह हमें तो फिर 8 बजे आपकी सेवा में हाजिर होना है, आप आई जाइए, हम साथ साथ देखेंगे परिणाम, अमित जी बिल्कुल हम साथ साथ देखेंगे परिणाम क्या रुझान में क्या है, परिणाम क्या आता है। हीरालाल जी एग्जिट पोल क्या, अगर आप लोग ने विकास किया है, जनता आपसे खुश है, सब कुछ वो काम किए 5 साल में जो पिछले 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, फिर ऐसे में क्या वजह लगती है कि एग्जिट पोल आपके साथ नहीं दे रहे हैं, आपके खिलाफ ही खड़े हैं, विपरीत यहाँ पर परिणाम है जो बीजेपी कह रही है ऐसा होगा ही नहीं? हीरालाल जी
देखिए हमारे हम विकास के आधार पर और हमारे संगठन के आधार पर और कार्यकर्ताओं के आधार पर सरकार बना रहे हैं। हमारा बिल्कुल 100% सरकार राजस्थान में बन रही है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जब सुबह ईवीएम खुलेगी हम अपने आधार पर अपने बलबूते पर सरकार बना करके और निश्चित रूप से 5 साल के कार्यों के आधार पर जनता हमें विश्वास व्यक्त करेगी। मतलब एक तरफा सरकार आप बनाएंगे, किसी के हमने काम किया है, किसी पार्टी 5 साल जो काम किया है, विकास किया है, मनाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। हीरालाल जी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे और ये मिथ्या साबित होगा और ये राजस्थान में जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वाला जो चल रहा है मिथक, हाँ। इसको भी हम कल तोड़ेंगे और अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। ठीक है अजीत जी, अपने बलबूते सरकार बनाएंगे, एंटी इनकमबेंसी को भी खत्म करेंगे, ये शुरुआती तौर से बीजेपी कहती आ रही है। देख लो कोरमचंद जी, एक मिनट अजीत जी। अगर श्वेता जी, अब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है कि बिल्ली को अगर सपने में भी छींचड़े दिख रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हीरालाल जी कह रहे हैं बलबूते पे, मैं कहता हूँ कि जनता ने आपका बल तो निकाल दिया, बूता बूता रह गया, वो कल बूता भी सामने आ जाएगा, 11 बजे बूता ही बाहर आ जाएगा। इसलिए ज़्यादा मैं इस बात को लेकर के ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ क्योंकि जनता का मानस, जनता ने अपना मानस 1 साल पहले बना लिया था। अजीत जी, अभी बचे क्या मान रहे हैं? ये हसीन सपने देख रहे हैं, मानस बना लिया, वजह आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने विकास नहीं किया इसलिए जनता नाराज है, या कांग्रेस के ज्यादा बेहतर काम है इसलिए आ रही है, या फिर एंटी इनकंबेंसी है ये वजह, या फिर मोदी लहर को खत्म मान रहे हैं इसलिए कांग्रेस को फायदा, वजह क्या मान रहे हैं आप? अजीत जी, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने झूठ बोल करके सपने दिखा करके 15 लाख आएंगे, काला धन लेके आऊंगा, प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं ये नोटबंदी कर दी, मैं ये आतंकवाद रोक दूंगा और मैं ये गरीबों को, मैं ये उज्ज्वला योजना सबसे बड़ी ठगी है। उज्ज्वला योजना में इन्होंने करोड़ों, मैंने करोड़ों दे दिए। अरे यार सिलेंडर जो 400 रुपये मिलता था वो 1000 का कर दिया, वो लाएगा लाएगा कहाँ से बेचारा, वो सिलेंडर लाएगा, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, किसी को कोई सुनने वाला नहीं। अमित जी, अमित जी एक मिनट, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, बार बार देश में यार बोल रहे हैं गरीब को ये काम होता है तो कांग्रेस के मित्रों के प्रॉब्लम क्या होते हैं मेरे समझ में आया? मुझसे अजीत जी पूछा, मुझे बोला है, एक मिनट रुको तो यार किसी को बोलने दो, फिर आपने कहा ना कि उज्ज्वला योजना लेकर आए लेकिन इसका सिलेंडर इतना महंगा किया जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में इतना नहीं था। अमित जी, एक तरफ अगर फायदा दे रहे हैं लेकिन उसके दूसरी तरफ उसके साइड इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं, देखिए उसको उसको कैसे हैंडल करेगी आम जनता या गरीब जनता जिसके लिए ये सब सुविधाएं? श्वेता जी इस बात को समझना, मुझे समझ नहीं आता कि जब गरीब के लिए कुछ होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? 50 साल तक आप नारा देते रहे कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ और फिर वो गरीब गरीब रहा, ये भी बोलते हैं गरीब के साथ, तो गरीब क्यों रहा अगर आपने कुछ काम किया होता तो? आज गांव की महिला बेचारी सुबह उठती है चूल्हा चौका करने के लिए, पहले जाती है जंगल लकड़ी काटती है, सर पे गट्ठर रख के लाती है और बच्चों का खाना बनाती है। आज अगर हमने उसको इससे मुक्ति दिला दी है तो उनको समस्या क्या रही है? तो 400 रुपए में सब्सिडी मिल रही है भैया, वो तो बाबा 400 रुपए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो इस सरकार ने काम, मैं कह रहा हूँ जो काम इस सरकार ने गरीब के लिए किया है, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसानों की बात हमने आपको बता दी, किसानों के अलावा आप ये देखिए महिलाओं के बारे में हम बात करें, 12 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता था महिला को, आज कितने महीने का मिलता है? 26 माह का होता है। एक आप थे जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं की 3 तलाक की आवाज थी उसको कुचल दिया, कोर्ट के निर्णय को आपने 10 लाख पलट दिया। एक हमने उन मुस्लिम महिलाओं को सारी की सारी उस जलालत से मुक्ति दिलवाई और उनके मामले में उसके उनके पक्ष में फैसला किया। जब हज जाती थी महिलाएं बिना पुरुष जाने सकती थी, हमने किया। महिलाओं को परिवार की मुखिया मानकर उनके खाते खुलवाए बिना दलाली के सारे पैसे उनके अकाउंट में हमारे द्वारा पहुंचाए। बहुत बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत विकास आपने किया, लेकिन एक बात बताइए, अगर विकास इतना किया है जनता खुश है, आप ही लोग बोल रहे हैं, दूसरा कोई क्यों नहीं बोल रहा? आखिर एक्सेप्ट तो करेगा कोई ना कोई कि हाँ काम तो हुए, लेकिन कोई ये भी नहीं कह रहा है कि काम हुए। किसान क्यों नहीं कहना? मुख्यमंत्री नाराज है, युवा नाराज है
और वहाँ पे 15-15 हजार पहुंचे। एक बात पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास, लोगों को कुछ ना कुछ मिला है ना। ठीक है जी, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी क्योंकि यहाँ पर दावे भी बहुत किए जा रहे हैं, काम भी बहुत कुछ किया है कहा जा रहा है, लेकिन परिणामों के लिए किस तरफ जाए, एग्जिट पोल कुछ और कह रहे हैं। हालांकि परिणाम के लिए कल सुबह तक का इंतजार करना होगा, उसके लिए इंतजार भी करेंगे, लेकिन अपनी बात रखने का सबको है और वही काम यहाँ पर मौजूद प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। चलिए अरविंद फिर आपका स्वागत है। तो चर्चा लगातार जारी है, आज कयामत की रात है, आज रात रथ जगा है ये भी कह सकते हैं उन प्रत्याशियों के लिए, खासतौर पर जो मैदान में डटे हुए थे और मतदान हो चुका है, परिणाम का इंतजार है, कल किसके पक्ष में रिजल्ट आता है उसके लिए तो इंतजार कल तक का करना होगा। लेकिन मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, चर्चा भी लगातार जारी है। पूरम चंद जी, अब क्योंकि वक्त भी यहाँ पर खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे कि कल आने वाले परिणामों को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जब मतदाता शांत होता है ना, हाँ। तो समझ जाइए तूफान आने वाला ही है। ये मैंने 77 में देखा, मैंने ये उस टाइम ये था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बना तो लोग कहते कुछ नहीं थे, लेकिन वोटों से उन्होंने बात मात दी थी और यही लग रहा है। देखिए मैं से कह रहा हूँ, 5 साल पहले क्या रेट थी हर चीज़ की देख लो और आज की रेट देख लो आप चाहे तो, उससे मतलब जो 10,000 रुपये जो कमाता है ना वो जो मतदाता लोग हैं उनसे पूछो क्या हालत हो रही है। जो महंगाई बढ़ गई है, दाम बढ़ गया है, रेलवे किराया बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ रही है, उससे उनको उससे लग रहा है। ये अस्पताल में देखो तो वहाँ दवाई नहीं मिल रही, इलाज नहीं हो रहे हैं, उससे हमको लग रहा है जनता में जबरदस्त रोष है। और जब रोष होता है तो जनता ये देखती नहीं है कि मुझे जिताना किसको है, एक ऑब्जेक्ट तो हराना किसको ही है। और यही हमने देखा, जा जाकर हर जगह मैंने देखा, ये चूंकि मैं राजस्थान में मुझे दौरा करना पड़ा तो वहाँ मैंने देखा जनता में जबरदस्त रोष है, बोल नहीं रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिताना किसको, इससे ज्यादा फोकस ये रहा कि हराना किसको, हाँ। और इसी का फायदा दूसरी पार्टी को मिला है। मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस जीतनी, भाजपा हार रही है ये, हाँ। भाजपा सबक सिखाया जा रहा है क्योंकि सेंटर में मोदी जी थे, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया, महंगाई लगातार बढ़ती रही, रेलवे क्या बढ़ा दिया, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ नहीं किया, सड़कें हाँ। टूटी हुई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, शराब की दुकान ज्यादा खुल रही है, जिस प्रदेश में ये होगा 21 सीट से 125 प्लस की बात अब कही जा रही है। हड़ताल पे थे 21 सीट, डॉक्टर हड़ताल पे थे, बस एक मिनट, 21 सीट से 125 प्लस की बात कही जा रही है, जहाँ पिछली बार 21 सीट पे सिमट गया था। क्या वजह आपको मेन लगती है कि जनता आपके साथ गई है, अगर नहीं परिणाम होते हैं कल की बात करते थे। पूनम चंद जी एक मिनट, अमित शाह सवाल ही सुनने नहीं दे रहे हो यार आप, सवाल अजीत जी, सवाल यही है कि 21 सीट से 125 प्लस की बात कर रहे हैं, आखिर वो कौन सी वजह आप मानते हैं कि जनता आपके साथ जा रही है। देखिए श्वेता जी, मैं 21 सीट से 125 की बात नहीं करता, मैं 21 सीट से 150 प्लस की बात कर रहा हूँ, और ये ज्यादा भी जा सकती है। हाँ। जैसा कि अभी मेरे मित्र ने कहा कि ये तूफान से आने के पहले की खामोशी है, और ये बात बिल्कुल सही है। और जहाँ पर बात ये है कि जो इन्होंने बताया, मैं उस बात को तायद करता हूँ कि जो महंगाई अब हालत ये हो रही है जनता की कि आमदनी चवन्नी और खर्च रुपया, पहले तो आमदनी 98 थी खर्च रुपया था, अब तो आमदनी 54 होगी। चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है, अमित जी एक लाइन में अपना लास्ट, एक लाइन नोटबंदी वोट में नहीं है, एक वक्त खत्म हो रहा है आपका, वक्त हो गया अमित जी, नोटबंदी वोट में नहीं है, टाइम पर 12.7% इन्फ्लेशन रेट थी, नोटबंदी में 5 साल में एक बार भी 5% से ऊपर इन्फ्लेशन रेट नहीं गई। अरे आप सुनो, अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, 12.7% इन्फ्लेशन था, वो 5% नीचे आ गया। हीरालाल नागर जी, हीरालाल नागर जी, कल आने वाले परिणामों को लेकर क्या कहेंगे आप, एक आखिरी कमेंट हीरालाल नागर जी, एक मिनट अमित जी, हीरालाल नागर जी एक लास्ट कमेंट कल के आने वाले परिणामों को लेकर, जीत को लेकर आश्वस्त हैं, कितनी सीट, कल जो परिणाम आएंगे वो हमारे लिए सुखद होंगे और हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, ये कल परिणामों के बाद निश्चित होगा। जितने भी अभी कई आपने देखे होंगे, चाहे वो कांग्रेस इस बात से आश्वस्त है कि हमें जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल कई जगह पे एग्जिट पोलों ने निश्चित रूप से विपरीत परिणाम आए हैं और कल भी यही विपरीत परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस में जो आज ये खुशी की लहर है ये इनके कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अच्छा कॉन्फिडेंस है, सबका कॉन्फिडेंस है कि कल जीत कर आएंगे, और बड़ा कॉन्फिडेंस ये कह सकते हैं कि किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी मैजिक फिगर जो है 101 का वो ला रही है कांग्रेस भी, बीजेपी भी ऐसा कहना है। हालांकि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है
कि जो एग्जिट पोल के परिणाम है उसके विपरीत ही यहाँ पर परिणाम आएंगे। हालांकि पूनम चंद जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी जीरो सीट आएगी, शून्य यानी एक भी सीट हमारी नहीं आने वाली है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता ने क्या फैसला किया है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आप तक रुझान भी पहुंचाएगा। उसके बाद क्या कुछ परिणाम आते हैं वो भी दिखाएगा। दिन भर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। फिलहाल बिग फाइट में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।